एक दुनिया है अलग इस दुनिया से, जहां आज भी वो दोनों मिलते हैं रोज। देखती हैं आंखें उन दोनों की, मुस्कुराती हैं गाल आज भी। कुछ लम्हे सांसें तेज करके मिलते हैं आज भी वो दोनों गले। दिन आज भी वहां कुछ ही पलों में गुजर जाता है, फिर नया दिन और नया रोज। शुरुआत होती है फिर मिलने से, टुकड़ा टुकड़ा करके। वो दोनों बन गए हैं ऐसे कि सिर्फ दोनों की ही एक अलग दुनिया बन गई हो जैसे। आंखें बंद की वहां और एक ख्वाब देखा तो ये दुनिया नजर आने लगी। लेकिन है एक दुनिया अलग इस दुनिया से, आज भी और उतनी ही। एक एहसास है किसी भी एहसास से ज्यादा नाजुक, जिसमें जीते हैं वो दोनों आज भी। जज्बात बहते हैं जैसे बहती हवा में फूलों की टूटी पंखुड़ियों की खुशबू। वो दोनों आज भी बिना बोले ढेरों बातें बना लेते हैं, बिना मिले बिना देखे। शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो दूसरा इस जहां में जाने कहां होगा। तिनका तिनका करके उनका रिश्ता बन गया, जैसे किसी बहते हुए सागर के किनारे पड़ी गीली रेत पर बनाया हुआ छोटा सा कच्चा मकान। पलकें सोई तो जागा कोई सपना जैसे, जिसमें दिखने लगा ये जहां, जो लगता सबको सच्चा। लेकिन सच तो उन दोनों को पता है कि इस जहां का कोई वजूद नहीं। एक रास्ता है बादलों का बना हो जैसे, जिस पर वो दोनों आज भी साथ चलते हैं। पकड़ के हाथों में हाथ, हंसते हुए बच्चों जैसे बेमतलब की बातों पर लड़ते हैं। ये रास्ता कहीं पहुंचाता नहीं है, ये बस एक रास्ता है एक दूसरे की ओर आने का, जिसका सिर्फ एक ही छोर है। कभी पैरों के छोटे निशान और कभी लंबे कदम, बस चलते चलते सदियां ठहर गई हो जैसे। जब थक कर थम जाते हैं और बोझिल होने लगती हैं आंखें, तो रख कर सर एक दूसरे के कंधे पर जागता है कोई सपना जैसे। और सपने में फिर दिखती है ये दुनिया, लेकिन है एक दुनिया अलग इस दुनिया से, आज भी और उतनी ही। मैं आपका सौरभ और आप सुन रहे थे वही जो मैंने लिखा था कभी। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।